देर हो गई, नींद आने लगी, महाराज जी भजन तो सुनाई दो कम से कम। महाराज जी भजन भी नहीं सुनाते, नींद आने लगती, कैसी महाराज जी है? बाकी तो सब बढ़िया है, थोड़ा पंखों की व्यवस्था और हो जाती। हाँ हाँ, यानी कि कथा में आए, उन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, क्या अच्छाई हो रही है उससे कछु लेना देना नहीं, बस आए आकर के उन्हें उस अच्छाई में कहीं ना कहीं कमियां ढूंढनी है, बुराई ढूंढनी है। जो कथा में आने के बाद सुपारी काटने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं सरोता, का कहलाते हैं सरोता। और तीसरे हमें बड़े प्रिय हैं, हमें प्रिय है तीसरे, क्यों? उन्हें कछु लेना देना है, आए और बढ़िया सा स्थान देखा, दिन में काम काज में लगे रहते हैं, रात्रि में भैरव बाबा मोहल्ले में ड्यूटी देते हैं, भोगते रहते हैं, निंद्रा आती नहीं, कथा से अच्छा स्थान नहीं, शांति भी रहती है, बढ़िया सा कोना पकड़ते हैं और टेक लगाते हैं पाइप से, पंडाल के पाइप से टेक लगाई और तुरंत सो जाते हैं, कुछ लेना देना नहीं। कथा हुई, कथा के प्रसाद आरती हुई, आरती के पश्चात जयकारे बोले, अब जैसे ही बुलवाया जयकारा वीर बजरंगिया हर हर महादेव, आरती भी हो गई, लाओ प्रसाद। यानी कि उन्हें कथा से कुछ लेना देना नहीं, कथा में आए सो गए और आरती होते ही लाओ प्रसाद। आज प्रसाद में कहा है व्हाइट वाले रसगुल्ले, प्रसाद लिया और घर, बोलो राधे राधे, का बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कथा में जाए तो सरोता या सोता बनकर के कथा को ना सुने, कथा में जब भी जाए तो श्रोता बनकर के कथा को सुने, अन्यथा हम उस कथा में जाकर भी पाप कमा रहे हैं। जाए तो कथा का चिंतन मनन करें, अपने जीवन में धारण करें, शांति पूर्वक उस कथा को सुनपान करें, तभी उद्धार होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। बोलो राधे, का बोलना पड़ेगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज चलो श्रोता भी हो गए, वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा वाचक कैसा हो? तो भागवत महापुराण के अनुसार शास्त्र कहता है वक्ता के बारे में कि ब्राह्मणों हो, विप्रो हो, विरक्त हो, ब्राह्मणों वैष्णव हो, विरक्त हो, विप्र हो, पहला ब्राह्मण होना चाहिए, जिससे हम कथा सुने वो ब्राह्मण होना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण से ही क्यों सुने, अभी कुछ ही समय बाद कथा आएगी, ब्राह्मण से कथा क्यों सुननी चाहिए? दूसरा, वैष्णव होना चाहिए, सनातन धर्मी होना चाहिए। तीसरा, विरक्त होना चाहिए, अर्थात उसे माया मोह से ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, माया के पीछे भागने वाला ना हो। और चौथा, विप्र होना चाहिए। विप्र किसे कहते हैं? अच्छा, चार शब्द है, ब्राह्मण,
पंडित पंडित और विप्र, इनमें अंतर क्या है? पंडित कहते हैं विद्वान को, जो ज्ञानी है, पंडित एक उपाधि है, जिसके पास ज्ञान होता है वो पंडित है, जिसके पास ज्ञान है कोई भी है, जिस प्रकार से हम पीएचडी कर लेते हैं, कोई भी हो जाए, किसी भी विषय से किया हो और उसके नाम के आगे उपाधि लग जाती है, डॉक्टर लग जाती है कि नहीं, उसी प्रकार से जिसके पास ज्ञान होता है उसे उपाधि मिलती है पंडित की। पंडित अर्थात जो ज्ञानी है, पंडित पंडित कहते हैं मूर्ख को, जो मूर्ख है वो पंडित है, पंडित है, मूर्ख कौन है? पंडित। पंडित ज्ञानी और मूर्ख पंडित को कहते हैं। पंडित को क्या कहते हैं? मूर्ख। शब्दों को सोचिए, शब्द हम कहते हैं ना पंडित, पंडित जी, और कुछ कहते थे पंडित, तो शब्दों का फेर कहाँ है? हल्की सी मात्रा से अर्थ बदल जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण एक वर्ण भी है और दूसरा जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म के बारे में जानता है, ब्रह्म क्या है इस बारे में जानता है वो ब्राह्मण है, और तीसरा विप्र ब्राह्मण ही है, विप्र ब्राह्मण ही है, किंतु कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण भी ऐसा जो ज्ञानी हो, और ज्ञानी भी इतना कि जितना ज्ञान उसके पास है वो केवल उस तक सीमित ना रहे, वो उसका प्रचार प्रसार भी करता रहे, उसे बांटता रहे, वो विप्र कहलाता है। जब भी कथा को सुने तो विप्र के मुख से करें, सुने। दूसरा, ब्राह्मण भी केवल ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण भी वो होना चाहिए जो जनेऊधारी हो, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, उसी के मुख से कथा सुने। अच्छा, आजकल हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, स्त्रियों के मुख से कथा। शास्त्र कभी भी स्त्रियों को गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देता। गद्दी पर स्त्री नहीं बैठ सकती, ये निषेध है। केवल गद्दी पर प्रवचन कर सकती है, किंतु गद्दी पर विराजमान नहीं हो सकती, ये नियम है, क्योंकि इस गद्दी के कुछ नियम होते हैं। अब हम हैं, हमारी कथाएं बुक हो जाती है कई महीने पहले पहले, तारीखें नोट हो जाती हैं, तो जो भी कथा करेगा कोई भी हो तो पहले से ही बुक हो जाती है, और हर माह स्त्री 7 दिनों के लिए अपवित्र मानी गई है। अब जब पता नहीं, जब स्वयं अपवित्र है तो गद्दी पर कैसे विराजमान हो सकती है? इसीलिए गद्दी पर निषेध कहा गया। प्रवचन कर सकती है, ये नहीं कि प्रवचन नहीं कर सकती। और यदि हम स्त्री के मुख से कथा सुनते हैं तो दोष क्या लगता है? कथा सुनने का फल क्या है स्त्री के मुख से? यदि हम स्त्री के मुख से कथा सुनते हैं तो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण है कि 3 दोष 3 पाप हमारे जीवन में स्वतः ही लग जाते हैं। पहला ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का, दूसरा गुरु पत्नी गमन, और तीसरा गो हत्या, गाय की हत्या का। ये 3 पाप हमारे जीवन में स्वतः ही लग जाते हैं यदि हम स्त्री के मुख से कथा सुनते हैं तो।
तो भक्त तो जब भी कथा सुने, स्त्री प्रवचन कर सकती है किंतु गद्दी पर विराजित स्त्री ना। मन है आपका ठीक है, सुनिए अच्छी बात है, किंतु गद्दी पर विराजमान ना करा करके बराबर में बिठवाइए, खूब भजन भी सुनिए उसने, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गद्दी पर विराजमान नहीं हो सकती। आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रसन्न करते हैं, प्रभु कथा का स्थान कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा हो? तो कथा का स्थान श्री सुखदेव जी महाराज कहते कथा का स्थान सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि जहां एकांत वातावरण हो। अधिकतर आपने देखा कथाओं में भी कहानियों में भी हम पढ़ते हैं जितनी कथाएं हुई हैं सब गंगा जी के किनारे यमुना जी के किनारे हुई हैं, अधिकतर प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वहां पर वातावरण एकांत रहता है, शांत वातावरण रहता है। अब आप कथा करने लगो हाईवे के किनारे फोर लाइन, अब व्यास जी महाराज कथा कह रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज कह रहे थे, इतने में ही बाहर से एक ट्रक आया अट्टो नो 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 करता हुआ निकल गया। व्यास जी महाराज ने फिर वही प्रसंग शुरू किया तो दूसरी गाड़ी आ गई पो पो करती हुई चली गई। तो क्या ऐसे स्थान पर कथा सुनी जा सकती है? बोलो नहीं। स्थान ऐसा होना चाहिए जैसे आपके गांव का एक सुंदर सा स्थान है, कितना सुंदर स्थान है, हम सब शांति से बैठे हैं, स्थान की भी कोई कमी नहीं, कितने भी वक्त आ जाएं, क्यों है ना, एक बार सुंदर तालियां बजा दें स्थान के लिए और जोर से, कितना प्यारा स्थान है। ऐसा स्थान होना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रसन्न करते हैं, महाराज भगवान ने इस संसार का निर्माण कैसे किया, भगवान ने संसार को कैसे बनाया, कितना प्यारा संसार है, सूरज चंदा कितने प्रेम से भगवान ने सजाए हैं, और इन सबके बीच तारे जिनके अंदर कोई प्रकाश नहीं किंतु उस चांद के प्रकाश से चंद्रमा के प्रकाश से वो सभी सितारे भी चमका करते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। जल कितना प्यारा जिसका कोई रंग नहीं कोई स्वाद नहीं, और हम देखें तो स्वाद भी दिखाई देता है कि नहीं, बोलो। आखिर भगवान ने इतना विचित्र संसार बनाया कैसे, कैसे इस संसार का, मैं सृष्टि सर्जन की कथा को सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब इस संसार में कुछ नहीं रहता, प्रलय आती है और ये संसार प्रलय के बाद समाप्त हो जाता है, जब प्रलय होती है तो सर्वप्रथम जब भी प्रलय होती है तो जल के माध्यम से ही होती है। किसके माध्यम से होती है? जल के माध्यम से। ये जल अपना भीषण स्वरूप धारण करता है और इस समस्त संसार का विनाश कर देता है, अपने में समाहित कर लेता है ये जल समस्त संसार को। वही जल लाखों करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब वो जल शांत होने लगता है ना तो उसी जल में एक रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है। जब जल ज्यादा शांत हो जाता है
स्थिर हो जाता है तो कैसा हो जाता है? जम जाता है, बर्फ बन जाता, बन जाता है कि नहीं? वो जल जमने लगता है और वो जमा हुआ जल एक मानव किसी आकृति लेता है। कैसी आकृति लेता है? मानव की। उसके बाद उसी आकृति से, आकृति की नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कमल का पुष्प। उस पुष्प पर बड़ा विचित्र चार मुख वाला व्यक्ति प्रकट होता है, और व्यक्ति जीवित नहीं है, उसका शव प्रकट होता है, मृत है, केवल शव है। फिर वही जल पुनः उबाल लेता है और उसके अंदर जो मिट्टी के ढेर होते हैं, मिट्टी होती है, उसको एकाग्र स्थान पर एक और इकट्ठा कर देता है, वहां पर पहाड़ बन जाते हैं, और फिर वही कुछ जल जाकर के उन पहाड़ों पर गिरता है, तो वो जल एक छोटा सा रुद्र बालक हो जाता है। वह भी सब है, उसके अंदर भी तेजना नहीं, मृत है। फिर उसी जल से सत्य प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? सत्य। ओम। क्या प्रकट होता है? ओमकार, जो प्रकाशवान है। फिर उसी ओम से तीन ज्योति प्रकट होती है। ओम से तीन प्रकट हुए, राकार, आकार और माकार। राकार, राकार वो है जो पुष्प पर प्रकट हुआ, आकार वो है जो आकृति बनी है, और माकार वो है जो पहाड़ों पर बालक गिरा है। वो ओम उन तीनों में तेजना डालता है, ज्योति उनके अंदर तेजना आती है, श्वास चलती है, जीवन मिलता है। अब तीनों आपस में मन ही मन में तीनों विचार करते। पहले जो जल में बैठा है वो विचार कर रहा है, मैं जल के अंदर हूं, ये जल इतना भीषण है, यहां पर संसार इतना भीषण है तो बाहर कितना होगा, डर जाता है। और वही नेत्रों को बंद करता है, ध्यान लगाने लगता है, चिंतन मनन करने लगता है कि आखिर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे प्रकट किसने किया, मेरा नाम क्या है, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है। उधर वो चार मुख वाला जो प्रकट हुआ है वो भी यही सोच रहा है, मैं कौन हूं, यदि मुझे जानना है तो क्यों ना मुझे कमल की डंडी का छोर ढूंढना चाहिए। और वो कमल की डंडी का छोर ढूंढता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक ऐसा प्रयत्न करता है छोर ढूंढने का, किंतु छोर नहीं मिलता, तो पुनः आकर के पुष्प पर बैठ जाता है। अब जब जल से निकला तो शरीर पर जल लग गया, और जब शरीर पर जल लगता है तो जल टपकता है, और जब जल टपकता है तो एक ध्वनि होती है। क्या ध्वनि होती है? टप 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 टप। वही जल जो टपकने लगता है, उस जल को देख करके, उसकी उस ध्वनि को सुनकर के वो चार मुख वाला व्यक्ति सोचता है कि जल मुझे संदेश दे रहा है, यदि तू प्रकट होने का कारण जानता है, जानना चाहता है, तो तू तप कर। वो भी ध्यान में मग्न हो जाता है। उधर जो पहाड़ों पर गिरा वो सोचता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देखा था, आखिर मैं प्रकट कैसे हुआ, वो भी ध्यान मग्न हो जाता है। वो भी ध्यान मग्न हो जाता है। उसके लाखों करोड़ों वर्षों बाद फिर वही ओम प्रकट होता है और कहता है,
कि आप तीनों को मैंने प्रकट किया है। आप तीनों के नाम भी अलग अलग हैं, आप तीनों के कार्य भी अलग अलग हैं। ओम से तीन प्रकट हुए, राकार, आकार और माकार। राकार का नाम हुआ ब्रह्मा, आकार का नाम हुआ विष्णु और माकार का नाम हुआ शिव। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि करना। क्या कार्य है? सृष्टि का निर्माण करना। विष्णु जी का कार्य कि जिस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करेंगे उस सृष्टि का विनाश करना। क्या करना? उस जिस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करेंगे, विष्णु जी का कार्य है उस सृष्टि का पालन करना। पालन पोषण का कार्य किसका है? विष्णु जी का। और शिव जी का कार्य कि समय आने पर फिर उसी सृष्टि को उन्हें ब्रह्मलीन कर देना, अर्थात उसका विनाश करना। तीनों के गुण भी अलग अलग है। ब्रह्मा जी का रजोगुण, विष्णु जी का सतोगुण और शिव का तमोगुण। ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी आप अपने कार्य से लगे, विष्णु जी आप भी अपने कार्य से लगे और शिव आप भी अपने कार्य से लगे। अब तीनों लग जाते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश मिला सृष्टि का निर्माण करना है। अब कुछ पता नहीं कैसा संसार बनाऊं। अब हम आपसे कहें एक अच्छी सी पेंटिंग, अच्छा सा चित्र बना करके लाइए और चित्र ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्रभावित हों। तो आप सभी सोचोगे आखिर चित्र बनाए किस चीज का, यही सोचोगे नहीं? कैसा चित्र बनाया जाए जो व्यास जी को अच्छा लगे। ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं आखिर संसार बनाऊं कैसे। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी पांच तत्वों को बनाते हैं, पांच तत्व प्रकट करते हैं, जिनमें एक पहले ही है उनके पास और चार और प्रकट करते हैं। जल पहले से है, चार तत्व और प्रकट किए, अग्नि, आकाश, भूमि और वायु। जल पहले से ही है, पांच तत्व हो गए। उन पांचों तत्वों को मिलाकर किसी में किसी की मात्रा अधिक करते हैं, किसी में किसी की मात्रा कम करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी सात लोक 14 भवन का निर्माण करते हैं। बड़ा सुंदर सा संसार ब्रह्मा जी रचते हैं। हम सब देखते हैं कितना प्यारा संसार है, बड़ी सुंदर प्रकृति का निर्माण किया। अब सब कुछ बना दिया, अब बात आई इस संसार में रहेगा कौन, इस संसार में कौन रहे? आखिर रहने वाला भी तो होना चाहिए। तो आज ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? शिव के पास। और दोनों मिलकर के एक रुद्र को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? रुद्र को। उसे आदेश दिया कि भैया आगे सृष्टि का निर्माण करो। अब जैसा खुद था वैसा ही संसार रचने लगा, वैसे ही जीवों का निर्माण करने लगा। नाग, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, भूत, प्रेत, गंधर्व, तरह तरह के प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस प्रकार से जीवों का ये निर्माण कर रहा है ऐसे जीव तो कुछ ही समय में इस संसार को खा जाएंगे। बोले भैया तुम रुक जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही कुछ करते हैं। और ब्रह्मा जी बड़ा चिंतन मनन करने के बाद, बड़ी सोच विचार करने के बाद आज सर्वप्रथम एक नारी को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नारी को। बड़ी सुंदर स्त्री का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। कहते हैं भक्तों उस स्त्री के प्रति ब्रह्मा जी के मन में कुछ दुर्विचार आ जाते हैं। जैसे ही वो विचार उत्पन्न होते तुरंत शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे मन में दुर्विचार आए हैं, अब मैं तुम्हें दंडित करना चाहता हूं।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान शंकर कहते हैं, यदि सृष्टि के आरंभ में ही हमने आपको क्षमा कर दिया तो इस संसार का नियम बन जाएगा, गलती करेगा और क्षमा मांग लेगा, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। और भगवान शंकर ब्रह्मा जी को दंड देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारा कहीं भी कोई मंदिर नहीं होगा। इसी के साथ ब्रह्मा जी का एक मस्तक भी काट देते हैं। अब ब्रह्मा जी के तीन मस्तक रहते हैं, कितने मस्तक रहते हैं? दूसरा श्राप दे दिया, आप सभी जानते भी हैं, आप सभी ने सुना भी होगा, हर जगह आपने हर देवता का मंदिर देखा होगा, किंतु ब्रह्मा जी का इस संसार में केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में, उसके सिवा कहीं दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं। स्थापित कर देते हैं किंतु मंदिर का निर्माण और कहीं नहीं हुआ। उधर ब्रह्मा जी को भी बड़ी गिलानी हुई कि मेरे शरीर में ये विचार आए हैं, तुरंत ब्रह्मा जी उस शरीर का त्याग कर देते हैं, नवीन शरीर धारण करते हैं। यहीं पर हमारा पहला प्रश्न, हम सबके माता पिता कौन है? कोई लाया है उत्तर? हम सबके माता पिता कौन है? क्यों राकेश जी? नहीं पता? और किसी को? छूट भी दी गई थी गूगल देवता की, हाथ उठाओ किसी को पता हो तो। हम सबके माता पिता, दुर्गा किसकी पत्नी है? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत सुंदर। रामचरितमानस की चौपाई बताती है कौन है, कि स्वयं भू मनु अरु सति रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वयं भू मनु, जिस शरीर का ब्रह्मा जी ने त्याग किया उस शरीर के दो भाग हुए, एक स्त्री बना दूसरा पुरुष बना। जो स्त्री बना है उसका नाम शत्रुपा है और जो पुरुष बना है उसका नाम मनु। प्रश्न सीधा सा था, बोर्ड में भी आता है, हमने सप्तऋषियों को यहाँ थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि प्रश्न का केवल चिंतन मनन करना है, उत्तर आपके सामने होगा। हमारा प्रश्न, ये प्रश्न बोर्ड में भी आता है, बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे आता है, मनुष्य का जनक किसे कहा जाता है? आता है कि नहीं? जनक अर्थात माता पिता। बोलो राधे राधे, क्या बोलना पड़ेगा? अब सीधे सीधे हम प्रश्न कर लेते तो भैया कोई भी ठक के ले जाता। बोलो राधे राधे। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? दो प्रकार से प्रश्न आता है, हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है और मनुष्य का जनक किसे कहा जाता है? मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब मनु और शत्रुपा की संतान है, मनु का मनु और शत्रुपा का श्य, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और मनु शत्रुपा को आदेश देते हैं ब्रह्मा जी कि जाइए और आगे चलकर के जन जन का निर्माण कीजिए। हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हम जन जन का निर्माण तो करें